वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, इन पंक्तियों को कई बार हमने सुना तो जरूर होगा, लेकिन इस पर अमल करते हुए बहुत कम लोगों को देखा होगा। दरअसल विकास की जिस आंधी दौड़ में हम पेड़ों का खात्मा कर रहे हैं, वो एक दिन हमारे ऊपर ही भारी पड़ने वाला है, या यूं कहें कि पड़ रहा है। पहले शहरों में खूब पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब तो गाँव में भी जिस तेजी के साथ पेड़ों को काटा जा रहा है, वो वाकई बेहद चिंता की बात है। इसलिए अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर आबो हवा देने के लिए पेड़ों को लगाना और उनकी रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के पूर्णिया जिले में पुलिस ने वृक्षारोपण करके लोगों को पेड़ लगाने का और बचाने का संदेश दिया। पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक निशांत कुमार तिवारी के निर्देशानुसार पूर्णिया में पुलिस द्वारा सभी प्रतिष्ठानों में वृक्षारोपण किया गया। सर्वप्रथम इस कार्य का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक निशांत कुमार ने पुलिस केंद्र में वृक्ष लगाकर किया। सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, थाना अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों ने भी वृक्ष लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक की इस अनूठी पहल को पूर्णिया पुलिस परिवारों के साथ ही आम लोगों ने काफी सराहा है। अगर इसी तरह से सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक एक पेड़ भी लगाएं, तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरों से सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि समूची दुनिया बची रहेगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए बिहार से हसन अनवर की रिपोर्ट।